इतना गंद मारता है। ये BSNL ऑफिस है, पावर डिपार्ट है, ऑल इंडिया रेडियो है, CM आना जाना, DC साहब आना जाना। शिलोंग में इतना घास नहीं है, पूरा हटाता है तो कहाँ नहीं बिकेगा, माता में रखेगा हम लोग का पब्लिक लोग। मिनिस्टर तो खुद यहाँ से जाते है, VIP कॉलोनी है, CM डेली यहाँ से जाता है। अभी हम स्टॉक अभी तो आधा घंटा बाद आप देखिएगा, एक घंटा बाद, दो घंटा बाद देखिएगा, पूरा कचरा फूल हो जाएगा। इतना सफा है हम लोग का अरुणाचल में, सिर्फ लीडर लोग, ये डिपार्टमेंट लोग, यहाँ का जितना भी डिपार्टमेंट का जो भी है, जो बाहर का ही है, सारे तो वहीं फेंकते हैं। अर्बन लोग, ये म्यूनिसिपल लोग, मायोर लोग, ये जितना ये इंजीनियर लोग, क्या लेनी है, गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, इंजीनियर का आज में पैसा जा रहा है कि ये उसमें क्या नहीं है। कचरा फेंकने के लिए तो नहीं बना है, लेकिन अभी फेंक रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आराधना में तो प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी है ना जब हाईवे है, ये रखा हुआ गलती है। बिल्कुल बोलता हूँ ये गलत है, और जो भी कचरे डिपार्टमेंट है उनको चाहिए कि यहाँ डस्टबिन रख दे, है ना। जो भी डस्टबिन अगर रख देगा तो बंदा वहीं फेंकेगा ना जाके, क्योंकि ये तो आदमी चलने के लिए बनाया है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को स्वागत है अवध TV पर। मैं ताजुम गारम इस वक्त में C सेक्टर पे हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ जो फुटपाथ है उन्हें बंद करके यहाँ कचरा फेंका जा रहा है। तो काफी समय से अवध TV के तरफ से हम लगातार जो कचरे को लेकर जो समस्या है, यहाँ जो हमारे स्मार्ट सिटी जो ईटानगर में है, काफी समय से हम लगातार वीडियो बना रहा है, न्यूज पहुंचा रहा है लोगों तक, लेकिन यहाँ ऐसे देखने को मिल रहा है यह जो फुटपाथ है उन्हें ही बंद करके यहाँ के लोग कचरा फेंक रहा है, उस पे जितना कचरा है उधर पे फेंक रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ठीक कचरे के जो पास है वहाँ एक ऑफिस है, जो हमारे जो C सेक्टर के पावर डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो डिपार्टमेंट है, और यहाँ पास में ही फिर आप देखेंगे तो यह BSNL ऑफिस है, और आप सीधा यहाँ जो ये लाइन है ना, यहाँ और स्कूल भी है, एक जो प्राइवेट स्कूल है, साथ ही साथ यहाँ जो आकाशवाणी ईटानगर है, जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ईटानगर, यहाँ उनका ऑफिस है। और ये रोड जो आप देख रहा है ना, यहाँ ये रोड से जो हमारे जो अरुणाचल के CM साहब है उनका बंगला भी जाते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ आसपास रहते हैं, काफ़ी VIP हर रोज यहाँ से जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे को देखने को मिल रहे हैं जो कचरे हैं उन्हें, जो फुटपाथ है उन्हें बंद करके वहाँ कचरा फेंका जा रहा है। तो क्या ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सो रहा है क्या, क्या अर्बन डिपार्टमेंट सो रहा है क्या? कहीं भी यहाँ कैपिटल रीजन में ना डस्टबिन का प्रोविजन देखने को मिल रहा है, कहीं भी आप देख सकते हैं जहाँ कचरा स्टोर करने के लिए कहीं भी प्रोविजन दिखाई नहीं देता है। तो आप यहाँ जो फुटपाथ है काफ़ी सारे ऐसे कचरे फेंक के रखा, मैं वीडियो में आप सभी को दिखाता हूँ, और जो यहाँ की जो कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो अर्बन डिपार्टमेंट है, उन बड़े बड़े ऑफिसर को जो AC में घूमते हैं, AC ऑफिस में बैठते हैं, पैर हिला के बैठते हैं, क्या आप लोग जो अपना ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो कौन करेगा? क्या आप लोग को सरकार फ्री में पैसा देता है क्या? जो आप लोग का पेमेंट है, जो हम लोग का, जो आम आदमी का टैक्स से तो आप लोग को पेमेंट मिलता है ना, लेकिन आप लोग काम ही नहीं कर रहे। और क्या मजबूर हो सकता है कि लोगों को यहाँ जो फुटपाथ है उन्हें ब्लॉक करके डस्टबिन फेंक रहा है, क्या मजबूर हो सकता है? ये सवाल भी तो उठता है ना, किस तरीका का यह सुविधा हो रहा है हमारे स्मार्ट सिटी के भीतर, या कहीं भी ऐसे नजर नहीं आता है कि जो स्मार्ट सिटी, जो एक ब्यूटिफिकेशन, हर चीज स्मार्ट होना चाहिए, यह कचरे इधर उधर फैल के हर जगह पे ऐसे ना डस्टबिन का प्रोविजन है, या स्वच्छ भारत अभियान का नाम ये मुहिम चला रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसे नजर नहीं आ रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान का पूरा डस्टबिन जो गंदगी है तितर बितर होके बैठा है। तो मैं जो जितना या सारे जो कचरे हैं मैं उन्हें आपका आप तक आपको दिखाऊंगा, और यहाँ के जो पब्लिक है उनसे भी मैं जानने की कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ पे क्यों कचरे फेंक रहा है। यहाँ सारे ऑफिस है, ये लाइन में आकाशवाणी ईटानगर है, पावर डिपार्टमेंट है, आपका जो BSNL ऑफिस है, और कई सारे VIP घर है, और ये रोड को हमारे जो CM है, मिनिस्टर है,
रोज यहाँ से जाते हैं, लेकिन कभी भी नजर नहीं किया जाता है कि उनके ही रास्ते पे जहाँ से जा रहा है रोज जा रहा है वहाँ कचरा ऐसे फेंका जा रहा है। तो यहाँ सीएम साहब का कुट का बंगला भी है। तो दर्शकों आप सब बने रही है, मैं लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा, चलिए हम उनसे जानते हैं। यहाँ मेरा जो पावर डिपार्टमेंट जो सी सेक्टर का यहाँ जो इंक्वायरी डिपार्टमेंट है जो पावर डिपार्टमेंट यह गेट है, ये मेन गेट है, हम लोग ये मेन गेट है ना, यह गेट है तो इसका टिक गेट यहाँ है ना, यहाँ में जो फुटपाथ है उन्हें ब्लॉक करके कचरा फेंक रहा है। क्या आप लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से कोई कंप्लेन नहीं किया? बहुत कंप्लेन किया है आदमी लोगों, हम लोग देखिए ये लगाई यहाँ पूरा यहाँ तक आता था, पूरा गेट तक, पूरा हम लोग के गेट पर पूरा प्लास्टिक स्लाइड भर करा जाता है, हम लोग साफ रोज साफ साफ करता है, उसका वजह से हम लोग ये गच्छी का डाली उली लगा कर इधर नहीं आने के लिए सेफ किया है। ये तो आना जाने के लिए है, तो वो देखिए गाड़ी भी यहाँ भी वो करके रखा है, रोज हम लोग इसी में गेट करके रखा है, इसी जगह में सब लोग आदमी लोग फेंकता है। यहाँ में जो अर्बन डिपार्टमेंट के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से कोई डस्टबिन का उपलब्ध नहीं किया प्रोविजन यहाँ? डस्टबिन के लिए तो कोई नहीं दिया है यारो मैडम, हमारा जो यहाँ का काउंसिलर था वो भी आकर बताया कितना बार वो लोग को कंप्लेन किया है, फोटो शोटो मार कर भी बहुत आदमी को भी किया है, लेकिन वो कोई आदमी इसको सेव करना नहीं सका, इसको बस कौन फेंक लेता है, फेंकता है, फेंकते रहता है, कहीं इधर उधर के आदमी फेंकता है, दुर्गा आदमी लोग भी कोई कोई गाड़ी उड़ी लेकर केरी बैग में लेकर फेंक कर चला जाता है, हम लोग तो किसी को जोर से बोल भी नहीं सकता है, तो खराब लगता है हम लोग को गेट के सामने इससे गंदगी होता है, तो स्मेल गंदा भी आता है, गंद भी आता है। तो आप जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या का अर्बन डिपार्टमेंट है जो स्वच्छ भारत अभियान का मुहिम चला के क्या कर रहा है लेकिन साफ सफाई दिखाई नहीं दे रहा, उसको आप क्या बोलना चाहेगा? करना चाहिए, अपना देश है, अपना जगह में साफ सुथरा कर रहना अच्छा है, बीमार फैलेगा नहीं, तो बहुत खराब खराब बीमार आ रहा है, इसके वजह से बहुत आदमी को पोल्यूशन हो जाता है, अपना जगह में साफ करके रहने से अच्छा है, वही बोलना चाह रहा हूँ सभी को। हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब लोग आ गए, हमारे यहाँ का जो काउंसिलर लोग जो है साफ सुथरा करके रखने से अच्छा है, सबके लिए अच्छा होगा, वही है। डस्टबिन बना रहा है, वह कचरा को फेंक रहा है, पता नहीं सर कौन फेंकता है, हम लोग तो ऐसा नहीं फेंकते, गाड़ी आने से फेंकता है हम लोग कचरा वहाँ में, ऐसा तो नहीं फेंकता है, लेकिन कौन फेंकता है देखता भी तो नहीं हम लोग, अच्छा भी तो नहीं लगता है कि दुकान का सामने में कचरा, हम लोग भी तो अच्छा नहीं लगता है सर, नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन यहाँ में डस्टबिन भी दिया गया है ना, जो बनाया भी नहीं गया कि डस्टबिन कोई डाले कचरा वहाँ में, ऐसा भी तो नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो बहुत गंदगी फैला दिया है, पब्लिक को समझ होना चाहिए, पब्लिक नहीं समझता है, जब गाड़ी आता है तब कचरा नहीं फेंकता है, जब गाड़ी जाने का बाद पब्लिक लोग कचरा आके फेंकता है यहाँ पे, ये पब्लिक लोगों को समझना चाहिए, अभी नहीं फेंकना चाहिए, पब्लिक लोग गलती है बोलने से गलती होता है, गाड़ी का सुबह मॉर्निंग गाड़ी आता है यहाँ पे हर दिन आता है, उसमें फिर नहीं फेंक के अभी गाड़ी चला जाएगा, देखिए अभी दमादम फेंकेगा, कल मॉर्निंग गाड़ी आएगा, गाड़ी का टाइम में कचरा लेके आके फेंकने से वो जरूरी है, पर वही सर आदमी समझ नहीं है किसी का पास, अपना देश है, अपना सफा रखना है, हम लोगों को सफा रखना है, हम ही लोग गंदा करते हैं, अभी क्या बोले, अभी यहाँ में देखिए डस्टबिन रखने से भी सर डस्टबिन को लात मार के उड़ा देगा आदमी लोग, यहाँ का कोई पीपा के आएगा लात मार के फेंक देता है, कोई मतलब मेंटेनेंस नहीं है, मैं तो वही है मेरा हिसाब, तो वही है पब्लिक लोग के लिए बोलना, गाड़ी आने समय में डस्टबिन ले, गाड़ी गाना बजा बजा के आता है, एक घंटा रुकता है यहाँ में ना, कम से कम उसमें आने सब लोग फेंक देना है, फिर नेक्स्ट दिन गाड़ी आता फेंकना है, अभी हमें स्टॉक अभी तो आधा घंटा बाद आप देखिएगा, एक घंटा बाद दो घंटा बाद देखिएगा पूरा कचरा फूल हो जाएगा, इतना गंद मारता है, ये BSNL ऑफिस है, पावर डिपार्टमेंट है, ऑल इंडिया रेडियो है, CM आना जाना, DC साहब आना जाना, एक्स मंत्री अपंग सर का घर है, इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर रास्ते में घर है, तो ये गंदा है सर, अभी क्या बोलेगा, अभी डिपार्टमेंट लोग भी देख देने से ठीक है, यहाँ तो कोई कोई आदमी खड़ा रहता है मत फेंको बोलते हैं, वो आदमी जाने के बाद फिर फेंक के चला जाता है, ये भी देखा, ये आपका प्रोविजन भी होता है कि डस्टबिन स्टोर करने के लिए हर कॉलोनी में हर मार्केट में होना चाहिए, यह भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या लगता है आपको इस पर, क्या विचार तो सरकार देखना चाहिए इसको, उसे डिपार्टमेंट जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट का ऑफिसर लोग वो सब करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर जाना आना करता है, खुद देखना चाहिए, पुलिस कॉलोनी है, इतना बड़ा पुलिस कॉलोनी है, सब ऑफिसर लोग बैठता है यहाँ में, अभी हम लोग सर क्या बोलेंगे, हम लोग तो साफ जितना हो सके सफा रखना चाहता है, झाड़ू भी मार देता है, कभी भी
ये महात्मा गांधी का दे हो, कोई भी दे हो, झाड़ू मारो, सब मिलके हम लोग झाड़ू मारते हैं, यहाँ का वार्ड मेंबर लोग मिलके सब खपा करता है हम लोग, तो फिर गंदा कर देते हैं सर। ये तो गलती है, जो भी पैकअप है तो वो गलती बहुत गलती है। एक शायद एक डस्टबिन का तरफ एक रख दे सब असर लगता है, क्योंकि आना जाना में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी है ना जब हाईवे है, ये रखा हुआ गलती है। अब पब्लिक लोग भी अभी फेंकने का जगह नहीं, रखने का जगह नहीं, बेहतर तो अब यह डिपार्टमेंट में बोल के एक बक्सा टाइप का होता है नस समझ, ऐसा बोला एक अरेंज करके रख देना है, डस्टबिन रख देना, उधर से उठा के लेके जाएगा जो गाड़ी सुबह पिकअप करता है ना, ले जब वो लेके जाएगा सर, ऐसा कर बेस्ट होगा। जब पैसे नहीं करा तो फेंकते रहेगा, क्या करेगा, और पब्लिक का वही क्योंकि रखने जगह नहीं, घर में कितना रखेगा, इसके वजह से शायद ऐसे कर रहा है जैसे लग रहा है हमको। सोल्यूशन है सिर्फ चौथा या दस मिनट एक बक्सा बना रख दो, उस बक्सा में सब दब के जाएगा ना, डालने के बाद में जब दूसरा मॉर्निंग शिफ्ट में जब बोटिंग आता है वो लेके जाएगा डस्टबिन को। ऐसा नहीं कि ये पब्लिक का एरिया है, इसका सेंट भी है अलग अलग बहुत होता रहता है, लेकिन बहुत इतना खराब सेंट आता है कभी कभी मछली हो इसे बात फेंकता है, वो गलती है। पब्लिक को भी अनुरोध ये करना है कि इसे मत फेंको, सिर्फ डिपार्टमेंट का गलती है अभी एक संबंध नहीं रखने की वजह से, उस संबंध में रखेगा तो ना बहुत बेस्ट होगा, मेरा व्यू यही है। तो आप जो साफ सफाई करते हैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो उनसे आप क्या दरख्वास्त करना है? वो तो वो दरख्वास्त कर मेरे को से कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अच्छा से संबंध अरेंज करके रख दो, किस काम में संबंध रखना है, वो खराब संबंध जटी समय कहाँ रखना है वो रख दे मेरे खेल, ठीक है अगर ये सोलूशन होगा तो अभी तक सोलूशन हो जाएगा, जब एक तक ऐसा नहीं ऐसे चलते रहेगा कि पब्लिक अभी एक रखने में जगह नहीं, क्या कैसा रख किस जगह रखेगा, वो एक डस्टबिन चौथा बोले सब बक्सा तब बना रख 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 बहुत मेरे लिए ठीक ठीक होगा, तब वो आदमी की सोल्यूशन होगा, मेरे लिए वही वही एक डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट है बस। जैसे दीदी यहाँ फुटपाथ है ना आप देख रहे हैं, यहाँ में आप लोग यहाँ जो आगे फुटपाथ को ब्लॉक करके या कचरा फेंक रहे हैं, क्या सही है क्या, क्यों आप लोग फेंक रहे हैं? सही तो नहीं है, लेकिन वो लोग आदमी को भी नॉलेज नहीं आ रहा होगा, और ये क्या बोलते हैं मिनिस्टर तो खुद यहाँ से जाते हैं, मिनिस्टर यहाँ से खुद जाते हैं, हाँ वो तो सुबह शाम तो देखता होगा, लेकिन अच्छा से वो लोग केयर नहीं कर रहे तो उसका हम लोग क्या बोल देगा फिर, क्या ये कचरा कंप्लेन तो कर नहीं सकते, अभी कितना बोलेगा, आदमी लोग को बोल के भी फायदा नहीं है, दुनिया यहाँ में फेंक देता है इधर उधर से लेके, वो ऊपर से आएगा बाइक में आएगा कचरा पोल्टी पोल्टीन लेके आएगा यहाँ में ऐसे फेंक के जाता है, तो उसका डस्टबिन होने से तो डस्टबिन में फेंकेगा ना, डस्टबिन भी नहीं है, पहले तो डस्टबिन उस्टबिन रख दिया था, आजकल तो डस्टबिन भी नहीं है, तो यार डस्टबिन डस्टबिन का प्रोविजन दिया गया, डस्टबिन ही नहीं दिया गया ना यार, पता नहीं तो डस्टबिन वो गवर्नमेंट वाला लोग को ही सोचना चाहिए, डस्टबिन तो वो लोग देना चाहिए एक्चुअली में, और आप जाके वो देखिए ना मेन गांधी मार्केट जाते हैं, गांधी मार्केट का वाला भी तो इतना गन आता है, वो भी तो पीडब्ल्यू ऑफिस आरडब्ल्यू ऑफिस है, उन लोग भी तो कितना सुनता होगा, हाँ वो लोग भी तो कितना खुद देखता है, लेकिन वो लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, उन लोग को कंप्लेन करना चाहिए, लेकिन आप लोग का जो पब्लिक है यहाँ आप लोग का पब्लिक ही तो खुद फेंकता होगा ना, क्योंकि डस्टबिन दिया गया नहीं है ना, लेकिन आप लोग का तरफ से भी तो कंप्लेन करना चाहिए, और आपको आप जो यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है अर्बन डिपार्टमेंट है जो साफ सफाई करते उनको क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? नहीं उन लोग इसको डस्टबिन देना चाहिए, डस्टबिन देने से ना आदमी लोग भी सही से फेंकेगा होगा, लेकिन उसको ये सीएम यहाँ से जाता है ना जो उसको लेबर लगा के डेली उसको सफा करने देना चाहिए, हम लोग भी दिखने से बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्या आप लोग की तो यहाँ का रहने वाला लोग ही तो फेंकता है, रहने वाला लोग फेंकता है, लेकिन आदमी का सब हम लोग का सिर्फ स्टाफ का सिर्फ नहीं है ना, अलग पूरा दूसरा आदमी है ना, पूरा नाना दोनों का आदमी है, इसलिए वो लोग का देखिए उन लोग का इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, डेली यहाँ में नहीं है सब नीचे में भी है सब लाइन में, ये पूरा यहाँ सिर्फ नहीं है दूसरा जगह में भी है नहीं नीचे में सब, या कोई ये पुलिस और पेट्रोलिंग करना है और ये लेबर लोग का
अरुणाचल गवर्नमेंट लोग यहाँ में लेबर लगा के सफा करने देना है डेले अर्बन डिपार्टमेंट गाड़ी को भी उतारता है हफ्ता में एक बार सिर्फ उतार दो बार उतारता है और उसका कहाँ है मालूम नहीं है। एमएलए आर ओ लेदर इंजीनियर कॉन्ट्रेक्टर लोग पैसा लेने चक्कर में टाउन पकड़ा नहीं है। शिलोंग में देखो ना शिलोंग में इतना घास नहीं है पूरा हटाता है पूरा एकदम काना देखे और इतना सफा है। हम लोग का अरुणाचल में सिर्फ लीडर लोग ये डिपार्टमेंट लोग अर्बन लोग ये म्यूनिसिपल लोग मायोर लोग ये जितना ये इंजीनियर लोग क्या ले नहीं है। गवर्नमेंट पैसा दे रहा है इंजीनियर का आई में पैसा जा रहा है कि ये उसमें क्या नहीं है लेबर नहीं लगाता है। सीएम यहाँ से जाता है सीएम को दिखना चाहिए यहाँ में आदमी लगाना है डेली हफ्ता में दो बार तीन बार सफा करने देना है ना। ये वो जो फेंकने वाला को भी जाके बोलना है और ये आप लोग ईशा करो ये पिकने ये डस्टबिन देखो रास्ता को पिकने दिया या डस्टबिन रख देना है। ये जो हम लोग को पब्लिक जो जाता है ना उसको उस वहाँ में पिको बोलता है डिपार्टमेंट लोग तो कहाँ में पिकेगा माता में रखेगा हम लोग का पब्लिक लोग तो कहाँ में रखेगा वहाँ तो पिकना पड़ेगा ना। उन लोग का ये एक तो जगह देना है ये कहाँ में पिकना है यहाँ में रखो उसमें उठा के डस्टबिन में डालेगा बराना है। ये मायूर ये अरुणाचल का म्यूनिसिपल कुछ चला नहीं रहा है किपी टेले नहीं है सुमर गौर जैसा है अरुणाचल का जहाँ में सीएम एक बार दूसरा जगह से एक लीडर आएगा दो तीन दिन सफा करेगा। अपना ईटानगर का नाहरलगुन रास्ता देखो तो नाहरलगुन रास्ता में ईटानगर रास्ता में एक जगह में जो लेबर लोग ये कॉन्ट्रेक्टर लोग एक बार बनाएगा एक दिन बनाएगा सिर्फ उसका बाद ये तीन महीना रुकता है पब्लिक लोग कितना हरासमेंट है। अभी तो नरेंद्र मोदी दुनिया भर का पैसा दे रहा है पैसा तो मिनिस्टर एमएलए इंजीनियर का पास जा रहा है पब्लिक हरासमेंट कर रहा है। इसलिए अरुणाचल में भी बहुत सब हम लोग ये दिखने से बाकी चोरों ने ये तो वीआईपी कॉलोनी है वीआईपी सीएम डेली यहाँ से जाता है लेकिन यहाँ एक तो जगह बना देना है ना डस्टबिन रखने के लिए डेली उठाने के लिए ये हम लोग का रहता है इस लगा के उसमें डस्टबिन पिको बोलता है। तो ये जो आप लोग फुटपाथ को ब्लॉक करके पब्लिक यहाँ में डस्टबिन फेंक रहा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन डिपार्टमेंट के जो स्वच्छ भारत अभियान का जो नियमों को चला के कचरा साफ करने के लिए टाउन को सुंदरता करने के लिए जो लोग सफाई करने आता है उनके तरफ से इसको जो फुटपाथ है ब्लॉक करके आप लोग को बोला है कि यहाँ फेंकना है यहाँ फेंकने उनके तरफ से खुद वो लोग ने बोला ये डिपार्टमेंट यहाँ में रखो बोलता है वो अर्बन लोग जगह जहाँ पिका पिकेगा रास्ता में पिकेगा पिकने की जगह ही नहीं है कभी आके ये सफा करने आता भी नहीं है कभी हफ्ता में सिर्फ महीना में दो बार में तीन डस्टबिन को भी उठाता है सिर्फ उठाता है वो बोलना है यार जाम जगह एक तो कॉलोनी कॉलोनी जहाँ में गाड़ी घुसता है ना कॉलोनी अंदर में घुसता है जगह बना डस्टबिन बना देना है वहाँ में जमा करने देना है जहाँ में ये फुटपाथ सीसी फुटपाथ एक तो स्टील बनाया यहाँ में डस्टबिन को यहाँ पिको बोलता है हम लोग कहाँ में पिकेगा उनके तरफ से यही पिको ये डिपार्टमेंट है यहाँ पिको बोला है उनका पिकने जगह ही नहीं है कहाँ में रखेगा यह कॉलोनी ये उस लोग का पुलिस रहता है हम लोग का रेडियो लोग रेडियो सुनता है यहाँ देखता है ये पिकने जगह ही नहीं है। ये डिपार्टमेंट ये हम लोग का ये कॉरपोरेटर म्यूनिसिपल का कॉरपोरेटर मायोर ये जितना मेंबर बनाए ना या इंजीनियर लोग हर सुबह शाम चेक करना है ना सत्तर चेक करना है कहाँ में रास्ता कहाँ लेतरा है चेक करना है और डीसी लोग चेक करना है डीसी लोग जहाँ में वीआईपी दूर से दिल्ली से आएगा उसमें पत्ता रात में आधा घंटा सफा सफ करेगा दूसरा दिन में खत्म ऐसा होता है। ये हम लोग का गवर्नमेंट तो सेंटर गवर्नमेंट मोदी लोग अच्छा पैसा दे रहा है हर डिपार्टमेंट पैसा दे रहा है लेकिन यह यूज नहीं कर रहा है जो स्वच्छ भारत अभियान वो मीनिंग है वो जो साहब आएगा बोलता है लेकिन कॉलोनी सफा कह नहीं है आप लोग पूरा जाके आपको देखो यहाँ में भैया जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन डिपार्टमेंट का तरफ से आप लोगों को एक डस्टबिन फेंकने के लिए स्टोर करने के लिए हर कॉलोनी टाउन के अंदर ऐसे प्रोविजन दिया जाता है उपलब्ध किया जाता है यहाँ में कहीं भी आपको लगता है दिया गया है दिया गया तो वो बुना ही नहीं है वो पैसा थोड़ा बुना के बुनाने से भी पाँच दिन एक महीना यूज होगा वो क्रापे हो जाता है उठाता नहीं है डस्टबिन बुनाने से भी उन लोग को अर्बन डिपार्टमेंट डस्टबिन को उठाता नहीं है। ये डेली बुजुर्ग का इंजीनियर चीफ इंजीनियर का अरविंद देखो तो पूरा गुण वहाँ में भी यहाँ भी चोरों ना खोलो वहाँ में सफा नहीं करता है कुंती और डिपार्टमेंट मायोर मेंबर लोग ये कॉर्पोरेटर लोग
चेकिंग होना है ना, हमको कॉल होने लिख रहा है पिक्का है क्या कर रहे हैं, को भी पब्लिक को भी वार्निंग देना है ना, आप यहाँ में पिसो या पिक्का हम लोग लिख रहा उठाएगा बोलना है। उन लोग पैसा का के पैसा आया हुआ का के चुपचाप ऑफिस में बैठ गया, दुनिया भर का मैं सोमर मोड़ के रास्ता में गिर गया, कुत्ता मोड़ के बैठ गया, देखता ही नहीं है, चेकिंग नहीं करता है। कब कब आते हैं वो लोग साफ सफाई वाला? जो साफ सफाई ना है वो हफ्ता में दो हफ्ता में एक बार गाड़ी एक तो लेके आके जबरदस्ती बुरी बुरा कुछ लगा के उठा के ले जाता है। हाँ, वो सफा करने से कभी कभी या तोरा सफा करता है लेकिन उठाता है नहीं सामान को, उठा के जमा करके दूर जगह फेंकने देना है। सीएम को देखो, आप सीएम को पूछो ना, सीएम को यहाँ से जाता है, हम लोग रेडियो कॉलोनी से डेली कर जाता है, वो इतना देखता नहीं है, वो कहाँ में जब रहा है वो देखता है, डेली देखता है वो कुछ चेकिंग अपना बी आई पी कॉलोनी वो बैंक टीनी आली से अपना रोड में पूरा स्टैंडर्ड को सफा रखना है। हाँ, और हम लोग का अरुणाचल का पुलिस यहाँ में दरख पी के रास्ता में गिरता है, पुलिस पेट्रोलिंग है नहीं है, लड़का लोग स्कूल नहीं जाता है, सिगरेट पी के घूमता है या देखता है नहीं, पेट्रोलिंग नहीं जाता है, पुलिस क्या कर रहा है? हम लोग का 2000 बेगू आप लोग का टाइम में डेली 24 आवर्स पेट्रोलिंग था, उसमें कोई आदमी बदमाश नहीं था। अभी देखो हम लोग का यहाँ कॉलोनी भी आता है, यहाँ कॉलोनी तो बाहर का पूरा दरख पीने वाले यहाँ में जमा करता है, शाम का 3 बजे 4 बजे को पुलिस पेट्रोलिंग आता ही नहीं है, पेट्रोल बिना पेट्रोलिंग और अर्बन तो सूखे बेता है, म्यूनिसिपल लोग सूखे बेता है, काम है नहीं, ऑफिस में हीरो स्टैंडर्ड कपड़ा लगा के सूखे बेता है, पैसा कहाँ गया पूछने से, पैसा को अपना अकाउंट में डाल के मालूम नहीं है बोलता है। नरेंद्र मोदी दुनिया भर का पहले से 74 से हाईएस्ट पैसा दे रहा है, लेकिन पैसा पब्लिक में यूज नहीं हो रहा है, लीडर लोग इंजीनियर का के चुपचाप बैठ गया, पब्लिक हराज नहीं हो रहा है, पब्लिक का पास 100 रुपया भी नहीं है, इससे बीमार भी तो मिल सकता है, या पास में ही स्कूल है ना, यार हम लोग का रेडियो है ना, ऑल इंडिया रेडियो का डिपार्टमेंट है यहाँ में, हम लोग का सिंटर गवर्नमेंट है, हम सिंटर गवर्नमेंट स्टाफ आए क्या कभी किया ले नहीं करता है, उन लोग पूछता नहीं है, और कभी पुलिस पूछता नहीं है, अर्बन म्यूनिसिपल पूछता नहीं, कभी हम लोग को आके बोलना है ना, आप क्यों डस्टबिन लेकरा फेंक रहा है, हम लोग बुला के रख दिया बोलना है, या देखो ना जब या तो कुछ डस्टबिन फेंकने के लिए नहीं नहीं है या बुला के वहाँ में फेंकने बोलो बोलता है, जगह में फेंकेगा, आप कभी देखो कैमरा से फेंकने जा बोना ही नहीं, डस्टबिन नहीं है वो कुछ नहीं है, आप खुद अभी कैमरा कर सकता है ना, खींच सकता है, ये रास्ता बना कुछ टाइल्स लगा के रास्ता बनाया, डस्टबिन वहाँ पे नहीं देता है, हम लोग कहाँ में रखेगा डस्टबिन, रखने जगह नहीं है, उस तरह में भी नहीं है, उस तरह पूरा पुलिस लोग है, पुलिस भी ये पुलिस एसपी इंस्पेक्टर एएसआई या पूरा सबूर्ती है, वो भी बोलना है ना डिपार्टमेंट को कंप्लेंट देना है, हम लोग का तो ऐसा करो बोल के। तो दर्शकों मैं बता दूं कि काफ़ी दुखजनक का बात है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, अर्बन डिपार्टमेंट है, जो कचरे साफ करते हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान, जो देश को क्लीन एंड ग्रीन का जो नाम देते हैं, लेकिन उनके तरफ से जो फुटपाथ पे है, जो यहाँ के पब्लिक है ना, जो डस्टबिन स्टोर करने के लिए फेंकने के लिए कहीं भी ऐसे सुविधा नहीं दिया गया है, तो यहाँ के जो आसपास रहने वाला है उनको यहाँ के जो फुटपाथ है उन्हें ब्लॉक करके वहाँ फेंकने के लिए उनके तरफ से बोला गया है, पब्लिक का ये कहना है, लेकिन ये बड़ी दुखजनक का बात है कि यहाँ हमारे आकाशवाणी जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो ईटानगर के है ब्रांच है यहाँ है, और यहाँ पास में ही स्कूल भी है, ये काफ़ी दुखजनक का बात है कि जो कॉरपोरेशन है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और हमारे यहाँ का अर्बन डिपार्टमेंट, क्या आप लोग सो रहे हैं क्या? एसी रूम में, एसी गाड़ी में, व्हील चेयर में, ऑफिस में, बस पैर इलाके ऐसे बैठेंगे तो कब तक चलेगा आप लोग? आप लोग काम तो करना पड़ेगा ना, जो पब्लिक का टैक्स से आप लोग को पेमेंट मिलता है उससे आपका घर चलता है, आप गुड सर्विस में ओके आप काम नहीं करेगा, डिपार्टमेंट काम नहीं करे तो कैसे चलेगा हमारा जो यहाँ की राजधानी, कैसे विकास होगा? भी देखो यहाँ ना डस्टबिन का जो डस्टबिन प्रोविजन दिया गया नहीं, हर जगह आप टाउन से कॉलोनी देखो यहाँ कोई भी सुविधा आपको देखने नहीं मिलेगा, यहाँ लोग जो कचरा है उन्हें अपने घर से निकाल के जहाँ तक फेंक रहा है, क्योंकि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो अर्बन डिपार्टमेंट, उनके तरफ से कुछ सुविधा नहीं दिया जा रहा, इनसे काफ़ी समस्या होता है,
काफ़ी बीमार भी मिलता है, लोगों को देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। एक स्मार्ट सिटी ओके ऐसे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन डिपार्टमेंट जो स्वच्छ भारत अभियान को लेकर ऐसे जो मुहिम रचा रहा है, लेकिन मुहिम तो रच गया लेकिन लोग तक नहीं पहुंच रहा है। यहाँ ना साफ सफाई हो रहा है हमारे जो कैपिटल रीजन में, अब कहीं भी देखो कचरा फैला होगा। क्या ये स्मार्ट सिटी है? क्या आप लोगों को लगता है ये स्मार्ट सिटी होगा? तो दर्शकों, आप सभी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब अवध टीवी के साथ बने रहिए, ऐसे ही खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे, और मुझे इजाज़त दीजिए।